नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी खराब ईयरफोन को नहीं फेंकेंगे, ठीक है। आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत इजी वे में आपका बन जाएगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखें, गारंटी लेता हूं कि आप ईयरफोन नहीं फेंकेंगे और खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो अक्सर लोगों का बीमारी ईयरफोन में आता है कि यहाँ से ख़राब हो जाता है, छोड़ने पकड़ने लगता है, क्योंकि जेब में रखने के बाद ना अक्सर होता है तो ये मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो छोड़ने पकड़ने लगता है, ईयरफोन एक बजता है या नहीं तो एक नहीं बजता है, या माइक नहीं काम करता, या दोनों नहीं काम करता है, ठीक है। तो आप इसमें करेंगे क्या, जो जहाँ से भी छोड़ता पकड़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ छोड़ अक्सर तो यहीं छोड़ता पकड़ता है या तार कट जाता है या कुछ भी एनीवे, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि आराम से यहाँ से जैसे छोड़ता पकड़ता है तो यहाँ से आराम से काट दिए, ठीक है, यहाँ से काट दिए तो देखिए ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है, ये जल्दी ख़राब ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से काट दिए और आराम से जो है आप इस तार को पहले छील लीजिए, ठीक है, छील लीजिए। ये सोल्डिंग आयरन है तो इसे इजी वे में हो जाएगा, तो कोशिश कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब इस देखिए ये जो तार है इसमें ऊपर से प्लास्टिक का रैपर रहता है, ठीक है। तो ये जो तार है इस तार प्लास्टिक का रैपर रहता है, तो इसको पहले आप हटाएंगे ताकि सोल्डिंग पकड़ सके अच्छा से, ठीक है। तो इसके कारण एक आसान काम है कि आप आराम से इसको जो है माचिस से भी जो है आप इसे हल्का सा जला देंगे तो मतलब इसका जो है रैपर हट जाएगा, ठीक है। हल्का सा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि हल्का शोल्डर लेके जो है, ठीक है, तो हल्का शोल्डर लेके जो है आप शोल्डर लेके यहाँ पेस्ट डाल के कुछ सेकंड के लिए तक जो है इसमें आप दिखा देते हैं, इसको आप रखिएगा तो उससे क्या होगा कि आराम से जो है ये इसमें जो है शोल्डर लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये लगभग सब में सोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो आराम से जो ये थोड़ा ज़्यादा छिला गया है तो हल्का हल्का काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो है आपको है तो नीचे यहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको क्या करना है, आराम से जो है इसको कस इसको इसका रैपर जो है ऊपर से छील लेना है, ये ब्लेड से जो है यहाँ से आपका रैपर आराम से छिला जाएगा, ठीक है। तो हम छील के रखे हैं, देखिए दिखा देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये चार को तार है, ठीक है। देखिए चार को तार में क्या है, आपका एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक गोल्डन है, एक रेड है। तो इसमें देखिए आप याद रखेंगे, ठीक है, ग्रीन और ब्लू लेफ्ट राइट ऑडियो होता है, ठीक है, ग्रीन और ब्लू रेड लेफ्ट राइट ऑडियो होता है। और इसका चार को जो ये है इसका, ठीक है, जैक का, इसका आपको लेफ्ट राइट ऑडियो एक ये फर्स्ट वाला लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, ठीक है, ये हो गया गोल्डन, ये हो गया ग्राउंड, गोल्डन ग्राउंड, ये हो गया गोल्डन तार, ठीक है, ग्राउंड। और ये ऊपर वाला सबसे चौथा नंबर हो गया माइक का, ये रेड वाला माइक का आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इजी वे में आराम से कुछ करना नहीं है, आराम से आप सोल्डिंग कर दें, ठीक है, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा पकड़ने में, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से सोल्डिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे हैं वीडियो हम लाता रहता हूँ, ठीक है। और ऐसा आपका कोई भी एयरफोन हो, हेडफोन हो या ब्लूटूथ हो, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछें, ज़रूर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ठीक है, सोल्डिंग के कर दिया मैंने, ठीक है।
अब इसको करना क्या है, आप देख लीजिए, आप आराम से जो है ये करके आप इसमें टेप मार देंगे, ठीक है, टेप अच्छा से मार देंगे। आप जब मारेंगे, हम जैसे हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं ना, ठीक है, आप थोड़ा अच्छा से शांतिपूर्वक मारेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में भी, ठीक है, देखिए ना, अच्छा से टेप मार देंगे, ठीक है, ताकि देखिए ज़्यादा, हाँ बस यहाँ तक जो है, ताकि जहाँ तक ईयरफोन का टच हो वहाँ तक, उसे आगे नहीं मारना है, उसे पीछे ही मारना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ तक हो गया, और इसका सेफ्टी के लिए क्या करना है आपको बता देते हैं। आप माचिस से जो थोड़ा सा इसको पड़का देंगे, ठीक है, ताकि ये सेफ्टी हो जाए, ठीक है। ठीक है, आपको कलरफुल भी टेप लगा सकते हैं ताकि जो अच्छा लगे आपको, ठीक है। और देखिए इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि कोई आपका जो है कोई ऐसा कुछ प्लास्टिक या रबर टाइप का रहे, ठीक है, गोल जैसा, ठीक है, तो इसमें घुसा के आप, ठीक है, पेंट घुसा दीजिएगा, उसमें आप माचिस हल्का जला दीजिएगा तो वो भी सड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे आपका ये एक जैसे यहाँ से तार खराब हो गया, तो उसमें भी क्या होता है कि काट के लगाना पड़ता है। इसका देखिए होता है क्या कि इसका स्पीकर जब खुल तो जाता है, ठीक है, थोड़ा खोलने में सावधानी बरतना पड़ता है, ठीक है, जब भी खोलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे जोर से लगाएंगे तो आप खुल जाएगा, मगर होता है कि डायरेक्ट खोलिएगा ना, ठीक है, तो होता है कि स्पीकर और पर्दा जो है एक दूसरे में अलग होता है, पर्दा इसमें सड़ जाएगा, स्पीकर पीछे आ जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सावधानी पूर्वक खोलना पड़ेगा। तो देखिए आराम से खोलना पड़ेगा, देखिए आराम से खोलना है, हाँ बस, देखिए ये स्पीकर इसी में सटे रहना चाहिए, ठीक है, बहुत मोटा है कि ये अलगता नहीं है, निकलता नहीं है, तो कोई मतलब सुई वगैरह से आराम से धीरे से आपको इसमें सटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये सट गया, फिर आराम से जो है आराम से खींचें इसको, ठीक है, जहाँ से तार कटा हुआ है वहाँ से काट के, मतलब ये जो बंधा हुआ है ये बांधना मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बार बार खुलेगा वो, बांध के फिर आराम से जैसे जैसे दिखा देते हैं आपको, जैसे आराम से खोले, देखिए ये स्पीकर देखिए है ना, अलग ही ना, आप मेरे पास तो बहुत सारा आपको हम दिखा रहे थे, ठीक है, तो आराम से जो खोल के आप यहाँ से काट के तार लगा सकते हैं, ठीक है, यानी दूसरा भी कोई तार लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी ऐसा तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, आपका ज़रूर हम समाधान करेंगे, ठीक है। तो ये ख़राब हेडफोन था ही, सोचेगी आपको इसके थ्रू हम कुछ समझा दें, ठीक है, थैंक यू सो मच।